खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। प्रभु के चरणों में एक ही याचना, एक ही अभ्यर्थना, एक ही प्रार्थना कि प्रभु तेरा अंतर में दर्शन हो जाए, जन्म मरण का बंधन कट जाए, प्रभु तेरा आश्रय, तेरी उपासना, तेरी आराधना, तेरा जप, तेरी ही साधना, बस यही मेरा जीवन बन जाए। प्रभु सब कुछ पाया, बस अब तो तेरा दर्शन अंतर में हो जाए। थोड़ी देर के लिए विधियों को देखेंगे, समझेंगे और उसके बाद साथ साथ में करेंगे भी। श्वास को यूं गहरा भरना, देखो और बस जोर से मत भरना, यूं नहीं करना, जोर से करो तो लाभ की बजाय हानि हो जाए। मध्यम गति से करोगे 100% लाभ होगा। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको बीपी हाई है, जिनको कमजोरी है, ये तीन व्यक्ति, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनका बीपी हाई है, जो बहुत कमजोर है, और चौथे वो व्यक्ति जिनको कमर में दर्द रहता है, वो कोई भी प्राणायाम जोर से न करें, बस इतना विशेष ध्यान रखें, दोनों हाथ घुटनों पर। पहली प्रक्रिया, 7 प्रक्रियाएं हैं और इन 7 प्रक्रियाओं के द्वारा ही आपको जो लाभ होगा वो आगे हम आपको बताएंगे। कि 1 सप्ताह में आप अपना 3 से 7 किलो तो इजीली वेट कम कर सकते हैं। हो सकता है किसी का 10 किलो भी कम हो जाए, लेकिन वो बहुत कम लोग होंगे, 1-2% लोग होंगे, परंतु 3 से 7 किलो तक आप अपना भार कम कर सकेंगे। पूरी बायोकेमिस्ट्री जो एबनॉर्मल थी, पूरी बायोकेमिस्ट्री वो पूरी नॉर्मल हो जाएगी केवल 7 दिनों में। बाद में आप मेंटेन करके रख लेना। कुछ लोग कहते हैं जी समझे आप 7 दिन में क्या करते हो, मैंने कहा मैं 7 दिन में इतना करता हूं, यदि वो 7 दिन में जो करके जाता हूं आप उसको बाद में मेंटेन ही कर लें, तो आप जिंदगी में कभी रोगी नहीं हो सकते, और यदि रोगी भी हैं तो अपनी समस्त उन रोगों को बिना किसी दवा के ठीक कर सकते हो, इतना देके जाता हूं। लेकिन थोड़ा सा सीख लो जरा ठीक से क्या करना है। देखो सामने स्क्रीन के ऊपर देखो, यूं भरा और भतीजी है ना, लेना और छोड़ना ही तो। हार्ट आई बीपी की प्रॉब्लम है तो ज्यादा तनाव मत लेना, भर भी लो और देखो भी सामने स्क्रीन के ऊपर, टीवी के ऊपर सामने देखो और करो भी। नाक से लेना, नाक से छोड़ना, मृदंग सीधा रखना, सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन, किसी भी एक आसन में सीधे बैठो, समह शिरः कायोग्रीवम्, मृदंड सीधा होना चाहिए, बस यही विशेष। और श्वास फेफड़ों में भर, पेट में भरा ही नहीं जाता, पेट श्वास भरने के लिए है ही नहीं, पेट तो भोजन करने के लिए है, और पेट में क्या है, स्टमक, आमाशय, पक्वाशय, इंटेस्टाइन आते, लीवर, स्प्लीन, गॉलब्लैडर, पैनक्रियास, फिर थोड़ा और नीचे जाओ तो किडनी, प्रोस्टेट ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड, यूट्रस, ओवरी, ये है पेट में। इनमें कोई भी ऐसा ऑर्गेन नहीं है जो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता हो, और श्वास नली अलग है, पेट में जाती है भोजन नली, फेफड़ों में जाती है श्वास नली, और श्वास नली से जब भरेंगे श्वास तब फेफड़े स्वस्थ हो जाते, श्वास भीतर भरते हैं और बाहर छोड़ते हैं, फेफड़ों में आकुंचन और प्रसारण होता है।
ये भस्त्री का प्राण 5 मिनट आपको रोज करना है। सरसों को भरा और छोड़ा, इसी से अस्थमा ठीक हो जाता है, ब्रोंकाइटिस मिट जाता है। इसी भस्त्री का प्राणायाम से हार्ट के ब्लॉकेज दूर हो जाते हैं। इसी भस्त्री का प्राणायाम से माइग्रेन पेन, डिप्रेशन, पार्किंसन, पैरालिसिस जैसे रोग, ये भस्त्री का प्राणायाम 5 मिनट सांस भरना और छोड़ना, इससे आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है। जब आप सांस लेते हो ना, सीधा जाता है आपके फेफड़ों में और ये कहां गायब हो गया? छोड़ा तो कार्बन ऑक्साइड लिया, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन कहां गायब हो गया? ये ऑक्सीजन हमारे ब्लड के अंदर घुल गया, जिनको हम रक्त कणिकाएं कहते हैं, आरबीसी कहते हैं, रेड ब्लड सेल बोलते हैं। वो रेड ब्लड सेल इस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके ले लेते हैं और लेकर के वो हार्ट से पूरी बॉडी में चले जाते हैं। तो जैसे ही हमने सांस भरा, और छोड़ा, तो पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में गया। और शरीर की रिक्वायरमेंट क्या है? शरीर की प्रत्येक कोशिका को जीवित रहने के लिए चाहिए ऑक्सीजन, एनर्जी। एनर्जी कैसे बनती है? एनर्जी बनती है हमारे सेल के अंदर। सेल के अंदर न्यूक्लियस की तरह होता है माइटोकॉन्ड्रिया। उस माइटोकॉन्ड्रिया को जब ऑक्सीजन मिलती है और इधर से डाइजेस्ट होकर के आंतों के द्वारा, जो आप खाना खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, उसके अंदर फैट होता है, उसके अंदर मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, तो जो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है उससे हमारे जो आते हैं वो जो ग्लूकोज को लेकर के लीवर को भेज देते हैं, लीवर से उधर गया सेल के पास में शुगर, फेफड़ों से गया ऑक्सीजन और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आग लग गई। वो बर्न हुई शुगर, बर्न होने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ये सबको पता है। तुम्हारे शरीर में जहां जहां ऑक्सीजन नहीं जाता है वहां सड़न पैदा हो जाती है, वह एनर्जी खत्म हो जाती है, फिर हाथ काम नहीं करते, फिर शरीर काम नहीं करता। देखो, शुगर खत्म नहीं होती है कभी भी, शुगर एक लेवल में रहती है। यदि उससे ज्यादा कम हो जाए ना शुगर, तो हाइपोग्लाइसिमिया हो जाता, आदमी बेहोश हो जाता। क्यों? कि अब एनर्जी बननी बंद हो गई। जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के माध्यम से बर्न होता है तब एनर्जी मिलती है, वही एनर्जी एटीपी के रूप में आपके माइटोकॉन्ड्रिया में सुरक्षित रहती है, पूरे दिन भर आपका काम करने में मदद करती है। देखो, एक श्वास भरा तो बहुत ताकत आ जाएगी। ताकत खाली ये दाल मखनी और पराठे और गोल गप्पे, ये समोसे, पूरी, कचौरी और जो है रसमलाई खाने से नहीं आती है मेरे भाई। ताकत आती है खाने से नहीं, पचाने से, ग्लूकोज के बर्न होने से। तो तुम प्राणायाम करोगे ना तो इससे तुम्हारी ताकत आ जाएगी, दाल रोटी खाओगे तो ही। आपको हमने बताया भस्त्री का, अब सेकंड देखो, ये 5 मिनट करना है। हर एक प्राणायाम की विधि पर आज ज्यादा कंसंट्रेशन रहेगा, विधि के साथ में उस प्राणायाम का टाइमिंग है, फिर उसके बाद में उस प्राणायाम को करते समय आपको कैसे मनोभाव रखने, इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। आपका फीत हो, आपका समर्पण हो, आपकी श्रद्धा हो, आपका विश्वास हो, आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति हो, डिटर्मिनेशन, डिवोशन एंड फीत बहुत बड़ा फैक्टर है प्राणायाम के द्वारा आपके देह को निरोग बनाने में। ये डिवोशन, ये फीत खाली प्राणायाम ही पर नहीं, दवा पर भी, यदि आपका फेत नहीं है, डॉक्टर पर भी आपका फेत नहीं है तो कोई लाभ नहीं हो सकता, कितनी अच्छी दवा हो जाए। देखो, श्वास को पूरी श्रद्धा से कर, तो आज विधि के ऊपर ज्यादा बल रहेगा। समय एक बार भरने और छोड़ने में लगभग 5 सेकंड लगता है।
तो ये भस्त्री का प्राणायाम हो। अब देखो सेकंड प्राणायाम, जरा सामने देखना। भस्त्री का प्राणायाम में 5 मिनट करना है रोज, कम से कम 2.5 सेकंड लेने में, 2.5 सेकंड छोड़ने में, करीब 5 सेकंड लगते हैं एक बार करने में, और आपको करीब 1 मिनट यदि आप ये करते हैं तो ये 12 बार हो जाता है। बहुत ज़्यादा असाध्य रोग होता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसी समस्या या मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसा कोई रोग या कैंसर, तो हम इसको 10 मिनट भी कराते हैं तो मैंने 50 से 100 बार ये करवाते हैं हम भस्त्रिका का सेकेंड प्राणायाम। देखो एक बार बता रहे हैं, फिर बाद में पूरी प्रैक्टिस करेंगे एक एक प्राणायाम की, श्वासों को बाहर छोड़ेंगे। देखो बहुत इजी है, सांस को बाहर छोड़ना, समझना, बाहर छोड़ रहे हैं श्वास को, अंदर नहीं भर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अंदर जा ही नहीं रहा है श्वास, अंदर जाएगा सहज, छोड़ेंगे प्रयत्न पूर्वक। छोड़ा, एक्सेल किया, लिवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पिंक्रियाज, स्टमक, यूट्रस, ओवरी, ये सब पूरा मध्य प्रदेश से हिलता है, पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट हिलती है, जरा ध्यान से देखना। मन भी तो शांत हो जाता है, 1 मिनट करोगे तो मन शांत हो जाएगा। 1 मिनट में लाभ होना शुरू होता है, 1 मिनट में वेट घटना शुरू होता है। एक सेकंड में 1 बार, 1 मिनट में 60 बार छोड़ना, यूं नहीं करना, ये तो उल्टा हो गया है। श्वास को बाहर छोड़ा है और छोड़ने से बहुत कुछ छूट जाता है, इससे वेट घट जाता है, इससे पेट घट जाता है, ऑबेसिटी की समस्या रहती ही नहीं है। दोनों पैरों को तलवों से मिला लो हिलाना। रोगों का एक कारण हेरिडिटरी है, याद रखना, सतर्क रहना, सावधान रहना, जागरूक रहना। दूसरा रोगों का मुख्य कारण है लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल डिजीज ही बोला जाता है मॉडर्न मेडिकल साइंस में उनको, दिनचर्या, आहारचर्या और सोच, ये तीनों गड़बड़ हो गई, एटीट्यूड नेगेटिव हो गया है, जल्दी सोने और जल्दी उठने की बजाय 2 बजे सोते हैं और सूर्यवंशी, सूरज की किरण जब उनके तन को छूती है तब उठते। एक बार हिला लो, लाइफ स्टाइल डिजीज। एक परिस्थिति जन्य प्राकृतिक कारण, माने कहीं पर पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, पानी बहुत ज्यादा गड़बड़ है, ये लाइफ स्टाइल से होने वाली बीमारियां भी मिटाएंगे। परिस्थिति जन्य रोग, कहीं का पानी गड़बड़ हो, कहीं की हवा गड़बड़ हो, मेरे भाई तुम ताकतवर रहो ना, पानी हवा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ABP News, आपको रखे आगे।